इस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं आप? ग्राम पंचायत दिसांगपुर, विकास खंड बताइए, सेवापुरी जिला वाराणसी। विकास योजनाओं के तहत आपने अपने गांव में कौन से किस तरह विकास किया? सिविल लाइन का काम कराया जो है कि जी, विभिन्न स्थानों पर जो कि खरंजा इंटरलॉकिंग कार कराया, पंचायत जो है कि प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय और राजकीय हाई स्कूल हमारे यहाँ तीनों का एक में जो कि बाउंड्री का कार्य हुआ है। आपके गांव में क्या नहीं है? आपके गांव में बारात घर है? बारात घर हमारे ग्राम पंचायत में नहीं है। नहीं, पंचायत भवन? पंचायत भवन हमारे यहाँ सही हालत में है। सही हालत में है। नंद घर हमारे यहाँ अभी हमारे कार्यकाल में बना है। बना है तो आपके यहाँ बारात घर आ जाए तो क्या प्रधान जी ये बताइए कि आप अपने गांव का विकास जो है कैसे करते हैं? आप करते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति करता है? अगर ग्राम प्रधान हम हैं तो हम ही करेंगे भाई, सचिव हमारा माध्यम होता है, सचिव भी रहते हैं हमारे साथ में रहते हैं। अच्छा, तो आपके ये दाहिने साइड बैठे हुए हैं, इनका क्या नाम है? धीरज कुमार कुमार। ये क्या है इस गांव में? रोजगार सेवक है। रोजगार सेवक है। तो अभी प्राथमिक स्कूल के बारे में आपने क्या क्या काम करवाया है? प्राथमिक विद्यालय जो है कि मरम्मत का कार्य हुआ है, मिट्टी भराई का काम हुआ है, और आरओ जो कि लगा हुआ था वो गलत जगह लगा था, उसको ट्रांसफर करके दूसरे जगह सोखता गड्ढा काम हुआ है, वृक्षारोपण का कार्य कराए हैं। ये सब इस सत्र में काम करवाया गया पूरा? जी, अगले सत्र में। तो इसमें कितना लगभग कायाकल्प में खर्चा आया होगा आपका? समथिंग हमको याद नहीं, 5 लाख के आसपास, 5-6 के बीच में गया होगा। आप बताइए। 3 के लगभग, 2.5 और 3 के बीच में, 2.5-3 लाख। तो प्लांट मिला के 2.5 से 3 के बीच में, 2.5 से 3 लाख के बीच में आया है। यानी प्रधान का गलत कहना गलत कि 5 लाख लगा, खड़ंजा भी लगा है उसमें ना। अच्छा, उसमें खड़ंजा भी लगा है ना। अच्छा, तो और प्रधान जी आपने क्या क्या काम करवाया गांव में बताएं? तो पहले हमारे यहाँ 41 आवास स्वीकृत था, जिसमें कि 2 पात्र मतलब कटे हैं, 39 था जो अधिकृत बन के कम्प्लीट है, एक जो है कि वहीं जमीन विवाद में 2 भाइयों के रह गया है। आप गांव का काम जब कराते हैं, एस्टिमेट बनता है, तो उसके बाद चेक से भुगतान होता है कि कैसे भुगतान होता है? चेक से ही भुगतान होता है। चेक से होता है। चेक पर साइन पहले आप करते हैं कि सेक्रेटरी करते हैं? सेक्रेटरी करते हैं। उसके बाद आप करते हैं? हाँ। यानी आपकी वाइफ करती हैं? हाँ। क्या नाम प्रधान जी का? श्वेता मौर्य। श्वेता मौर्य। आपका क्या नाम है? विजय कुमार मौर्य। विजय कुमार। तो जितने भुगतान होते हैं सब आपको सही सही मालूम रहता है? जी हाँ। तो आप बताइए कि पक्के कार्य का भुगतान दिसंबर और जनवरी महीने में कितने का किया गया? इसको आंकड़ा सर जो है कि दिसंबर जनवरी महीने मेरे खाते में पैसा नहीं था। पैसा नहीं था तो अप्रैल महीने में पैसा आया? ये आया है मार्च में। मार्च में आया, करीब 23-24। तो क्या तब अप्रैल मई जून में भुगतान इसका भया? नहीं, तो काम हुआ था जितना उतना भुगतान हो गया, जो अवशेष था जो अप्रैल। कितना काम हुआ था पहले? काम तो पूरा हो गया था। कितने लाख का लगभग काम हुआ? वही पूरे 2.5-3 लाख एस्टीमेट जो। अच्छा, वो कार वाला भुगतान अब हुआ है और उसका जो अवशेष था, क्योंकि पैसा इसके बाद अप्रैल के बाद पैसा नहीं आई थी अभी तक। अप्रैल के बाद पैसा आपके खाते में नहीं आया? अप्रैल में कितना पैसा आया था? जुलाई में, 1 जुलाई कुछ पैसा आया हुआ था, तो अवशेष था, भुगतान कर दिया। 1 जुलाई में लगभग कितना पैसा आया होगा? लगभग 2.5 लाख के आसपास। 2.5 लाख। तो वो सब खर्च हो गया कि बचा हुआ है? कुछ पैसा उसमें से अवशेष बचा हुआ है। अवशेष बचा हुआ है। आदेश था। अभी आपका कार्य योजना कितना कम्प्लीट हुआ? कार्य योजना तो हमारा करीब 1.5 करोड़ का है। 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़ में कितना मिला अब तक? 4 लाख रुपया था। बस 4 लाख आया था। अभी पैसा रुका हुआ है, प्रोसेस चेंज हो रही है, ऑनलाइन भुगतान होने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक।